हेलो स्टूडेंट्स, सभी को नमस्कार। तो अपना रसायन विज्ञान एंड केमिस्ट्री के अंदर चल रहा था लेसन नंबर 2, जिसका नाम था सॉल्यूशन यानी विलयन। और उसके अंदर अपना टॉपिक चल रहा था विलयन की सांद्रता की इकाइयां। तो विलयन की जो सांद्रता की इकाइयां थी, नो टाइप की द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, आयतन आयतन उर्वरता मोललता ppm आदि थी। तो उसमें हम तीन कर ली थी, द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत और आयतन आयतन प्रतिशत अपना हो गया था। और जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन वो भी अपने हो गए थे। आज अपना नंबर 5 रहेगा मोलर का। प्रदर्शित किया जाता है इसे कैपिटल एन से, बड़े एन से। ठीक, तो सबसे पहले देखते हैं इसकी परिभाषा। तो मोलरता होती क्या है? तो मोलरता क्या होती है? एक लीटर विलयन में उपस्थित विलय पदार्थ की मोल की संख्या, एक लीटर विलयन में घुले हुए पदार्थ की मोल की संख्या क्या कहलाती है? मोलरता। तो क्या हो जाएगा? एक लीटर विलयन में घुले पदार्थ कि एक लीटर में घुले हुए पदार्थ के मोल की संख्या, उस विलयन की क्या कहलाती है? मोलरता। किसे प्रदर्शित करते हैं? इसे बड़े एन से। ठीक, तो मोलरता क्या हो जाएगी? यानी मोलरता बराबर बराबर एक लीटर विलयन में घुले पदार्थ की मोल की संख्या, मोलरता बराबर क्या हो जाएगा? विलय पदार्थ की मोल संख्या बटे विलयन का आयतन एक लीटर में, विलयन का आयतन लीटर में। यदि अपन को क्वेश्चन के अंदर विलय पदार्थ की मोल की संख्या दे दे और विलयन का आयतन लीटर में दे दे, तो जो विलय पदार्थ की मोल की संख्या दी जाए उसमें विलयन के आयतन का दे दीजिए भाग, उसकी विलयन क्या जाएगी? मोलरता। यदि यानी m बराबर मोलरता बराबर विलय पदार्थ की मोल संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर की जगह ml में, लीटर की जगह किस में दे दिया जाए? ml में। तो गुणा कर देंगे 1000 से, गुणा किससे कर देंगे? 1000 से। तो मोलरता बराबर विलय पदार्थ की मोल संख्या दे दी और विलयन का आयतन लीटर में नहीं दे दे, तो आयतन ml में दे दिया, तो आगे गुणा किससे कर देंगे? 1000 से। ठीक है, तो ये अपनी क्या जाएगी? मोलरता। बात यह आती है कि विलय पदार्थ की मोल संख्या नहीं दी, विलय पदार्थ की ग्राम में मात्र दे रखी है, तो विलय पदार्थ की मोल संख्या कैसे निकालेंगे? तो क्या जाएगा? विलय के मोल बराबर, विलय के मोल बराबर। किसी पदार्थ की मोल संख्या कैसे निकालते हैं? उस पदार्थ की मात्रा ग्राम में बटे उसका क्या लगता है? अनुभार। तो विलय की मोल संख्या बराबर विलय का भार किसमें? ग्राम में, बटे विलय का अणुभार। उसके भार में किसका भार दे दिया जाए? अणुभार। तो क्या लग जाती है उसकी मोल संख्या? तो मोलरता बराबर क्या हो जाएगा? एन बराबर विलय की मोल संख्या, जब हम क्या लिखते हैं? विलय का भार बटे उसका अणुभार। तो मोलरता बराबर क्या हो जाएगा? विलय की ग्राम में मात्रा, विलय की ग्राम में मात्रा, विलय का अणुभार कहा जाएगा? नीचे, बटे विलय का अणुभार, विलय का अणुभार गुणा में विलयन का आयतन, गुणा में विलयन का
आयतन। यदि लीटर में है तब तो कोई दिक्कत नहीं, यदि बिलियन का आयतन एमएल में है तो गुणा किससे कर देंगे 1000 से। इस प्रकार इस फॉर्मूले की सहायता से अपन उस बिलियन की क्या निकलेगी, मोलर का। यदि किसी क्वेश्चन में विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा दे रखी है और बिलियन का आयतन एमएल में दे रखा है तो क्या करेंगे, मोलर का विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा बटे विलेय का अणुभार निकाल लेंगे गुणा बिलियन का आयतन। यदि विलेय को क्या मान लिया मैंने ए, विलेय को क्या मान लिया ए, विलेय क्या मान लिया बी, विलेय को क्या मान लिया बी, तो एम बराबर क्या हो जाएगा मोलर का बराबर विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा, मात्रा यानी वे डब्ल्यू ए अपॉन अणुभार को लिखते हैं एम ए उसी का अणुभार गुणा में बिलियन का आयतन बी सॉल्यूशन, वी सॉल्यूशन गुणा की चीज में एमएल में गुणा में 1000। इस फॉर्मूले से अपन क्या निकालेंगे उसका मोलर का, यानी विलेय की किस में ले लेंगे ग्राम में, विलेय की मात्रा किस में लेंगे ग्राम में बटा उसका एमए यानी अणुभार उसका गुणा बिलियन का आयतन बी सॉल्यूशन बिलियन का आयतन किस में एमएल में गुणा में 1000। इस फॉर्मूले से अपन क्या निकाल देंगे उसकी मोलर का। यदि किसी न्यूमेरिकल क्वेश्चन में विलेय पदार्थ की मोल की संख्या दे रखी है, बिलियन का आयतन लीटर में दे रखा है, मोल की संख्या लीटर का दे देंगे भाग के लिए इसकी मोलर का। यदि बिलियन का आयतन लीटर में दे रखा है एमएल में दे रखा है तो ऊपर कर देंगे 1000 से गुणा, और यदि विलेय पदार्थ की मोल संख्या नहीं देकर विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा दे रखी है तो उसकी मोल संख्या कैसे निकालेंगे, विलेय पदार्थ का भार ग्राम में बटे उसका अणुभार से उसकी मोल संख्या निकालकर अपने इस फॉर्मूले के साथ उसके निकाल लेंगे मोलर का। ठीक है, जैसे इस तरह न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं अपन, क्वेश्चन है 5 ग्राम NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड को 450 ml जल में घोला है, विलयन की मोलरता ज्ञात करो, विलयन की मोलरता ज्ञात करो। तो अपना पास फॉर्मूला क्या है, मोलर का बराबर विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा दे रखी है यानी डब्ल्यू ए अपॉन उसी का अणुभार अपन को निकालना है, एन ए गुणा में बिलियन का आयतन, वी सॉल्यूशन गुणा में 1000 का फॉर्मूला है। तो एन बराबर क्या हो जाएगा मोलर का डब्ल्यू ए भार कितना है 5 ग्राम बटे ऊपर गुणा कर दो 1000 से। उसका अणुभार कैसे निकालते हैं देखिए, विलेय को दे रखा है NaOH, इसमें सोडियम है तो सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है 11, अणुभार कितना तो उसका 23। ठीक है, दूसरा कौन सा है ऑक्सीजन, परमाणु क्रमांक दुगुना करो 16। ठीक है, और हाइड्रोजन का एक, टोटल कितना हो जाएगा 40, यानी जो भी दे रखे उसमें होगा उसके प्रत्येक का परमाणु क्रमांक क्या करते हैं लगभग दुगुना करते हैं तो क्या जाएगा 40 गुणा मिलियन का कितना दे रखा है 450, इनको काट पीट करते हैं तो जो आएगा अपनी क्या जाएगी उसकी मोलरता है, क्या जाएगी मोलरता। इस प्रकार अपन न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं मोलरता। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।